हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। आज हम आपके साथ बनाने वाले हैं मसाला इडली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम सूजी। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। ये हमने दही लिए एक छोटे बाउल में, वो डाल देंगे। आधी दही डालेंगे और इसको मिला देंगे। थोड़ी थोड़ी कर कर ही मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया है, इसको अच्छे से मिला लेंगे जितनी सूजी है जो मिल जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको फिर मिलाएंगे। और एकदम से सारा पानी डालकर नहीं मिलाना है, बिकॉज उसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा डालकर ही बनाइएगा इसका पेस्ट। देखिए हमारा पेस्ट तैयार होने लगा है, और इसको जल्दी जल्दी फेंटते रहिएगा। देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो ही गया है लगभग। हमारा ये एक गिलास पानी का इस बैटर को बनाने में लग गया है। देखिए अब हम इसके अंदर डालेंगे इनो। इनो डाल देंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। बिकॉज इनो उसके अंदर सूजी के अंदर डालेंगे तो वो फूल जाएगी और पानी को भी सोख लेगी। ये हम ढक के इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। और 15 मिनट हो गए हैं। चलिए देखते हैं हमारी सूजी। देखिए बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 2 या 3 चम्मच डालकर इसको मिला लेंगे और बिल्कुल थिन बैटर बनाएंगे। अभी हमें इसका मिक्सर लेंगे, इडली मिक्सर। उसमें थोड़ा सा नीचे पानी डाल देंगे। आज हम ओवन में बनाने लगे हैं, तो इसलिए हमने ओवन के मिक्सर लिया है। इसमें इसके जो स्टैंड्स हैं उसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से तेल से, ताकि ये जो हमारी इडली है वो चिपके ना इसके ऊपर। फिर हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। सारे ही हम ऐसे डाल देंगे इसके अंदर। इसको बनाना बहुत इजी है दोस्तों, बड़ी जल्दी बनती है, कोई झंझट नहीं होता। दूसरे स्टैंड को भी अब हम ग्रीस कर लेंगे। और दोस्तों अच्छे से ग्रीस करिएगा इसको, वरना अगर हम इसको अच्छे से ग्रीस नहीं करेंगे तो ये इडली का जब इडली बनकर आएगी तो वो चिपक जाएगी। अब इसमें भी हमने बैटर डाल दिया है। अब हम इसको ढककर ओवन में रख देंगे 8 मिनट के लिए। ये हमारी इडली हो गई है तैयार। इसमें हम चाकू मार कर डालकर देखेंगे, अगर वो चिपक रही होगी तो तैयार नहीं होगी। ये देखिए निकल गया है चाकू बिना उसके। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। ये हमने निकाल ली है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। हमने कढ़ाई रख ली है गैस पर, उस पर थोड़ा सा तेल डाल लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे राई, मस्टर्ड सीड्स, इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च, प्याज, और इसको हम जला लेंगे करछी की हेल्प से। ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हमने इसमें शिमला मिर्च डाल दिया है। थोड़ा सा कच्चापन रहना चाहिए, बिकॉज सब्जी का के अंदर क्रंच रहना चाहिए तो अच्छी लगती है। तो सुंदर कलर लग रहा है। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर।
कि इसे कलरफुल हो जाता है। आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो। तो हमने आज ये मसाला इडली बनाई है। अगर अच्छी लगे आपको मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा बच्चों के लिए। देखिए हम इसको चला लेंगे और इसमें नमक डाल देंगे, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ी सी हल्दी और चिली फ्लेक्स, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो पक जाएं, और जो मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और नमक मिर्ची ये सब अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा आप, जैसे आपके बच्चे खाते हो। तो इसमें थोड़ी सी सॉस डाल देंगे, सॉस से टेस्ट अच्छा आ जाता है। और ये हम अब इसमें इडली डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी इडली लगभग तैयार हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक, बंद करते हैं इसकी गैस। प्लेट में निकाल दिए हैं हमने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।